Good morning, students. In our last class, we have discussed the chemical properties, the physical properties of nonmetals, right? Also, we have seen some exceptional cases in the properties of metal as well as the nonmetals. हम लोगों ने physical properties discuss की थी metals और nonmetals की, और also we have discussed कि उन properties में जो exceptional cases होते हैं वो कौन से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर्टिकुलरली मेटल्स में एज वेल एज नॉन मेटल्स में, राइट? तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. So today we are going to discuss the chemical properties of metals, right? So metals जो होते हैं वो different different chemicals के साथ, या हम बात करें basically air के साथ या water के साथ किस तरीके से react करते हैं, और जब वो react करते हैं तो किस तरीके से जो equation है, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं मेटल्स की अलग अलग चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि एयर के साथ मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. एयर में भी स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो मेटल्स की रिएक्शन होती है तब क्या होता है, राइट? सो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो उस अपने आप का ऑक्साइड बना लेता है, राइट? जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉपर, अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा. आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो फेरस ऑक्साइड बना लेगा, राइट? और इस तरीके से कोई भी हम मेटल लें, एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना मेटल ऑक्साइड बना लेता है, राइट? इसका एक एग्जांपल अगर हम समझें तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. मैंने मान लिया कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. आपको पता है कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, राइट? सो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बना लिया. लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको समझनी है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, राइट? तो हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कॉपर जो है उसके भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, राइट? तो अब मेरे पास कॉपर के 2 मॉलिक्यूल्स एज वेल एज ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास कॉपर के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स. तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई, राइट? तो जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे लिए कंपल्सरी है कि हम उस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें. अगर आप उसको बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखते हो तो द मार्क्स विल बी डिडक्टेड, एज वेल एज ये तो इक्वेशन हो गई. इसके बाद नीचे यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि Cu का मतलब क्या है, कॉपर, O2 का मतलब है ऑक्सीजन, और CuO का मतलब है कॉपर ऑक्साइड. तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, तो जो LHS में होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो RHS में वो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो RHS में होता है वो प्रोडक्ट होता है. हमको यहाँ उनके नेम्स लिखने पड़ेंगे कि कौन से रिएक्टेंट्स हमने यूज किए हैं और क्या प्रोडक्ट बना है, राइट? तो अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला यू शुड राइट देयर नेम एज वेल जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तब, राइट?
तो जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, वैसे ही हम एक और मेटल के साथ देखते हैं, लेट अस कंसिडर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो चीज़ समझते हैं, राइट? तो जब एल्यूमिनियम कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो हाउ द व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर, राइट? तो मैंने मान लिया मेटल एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, और जब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, राइट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, बिकॉज ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? हमने पढ़ी है ये चीज़ किस तरीके से हम फॉर्मूला बनाएंगे। इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी +2, ये 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा Al2O3, राइट? ये चीज़ हम आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, दैट्स वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर इन डिटेल। सो Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 2 एटम्स, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स, राइट? तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, सो दैट यहाँ पे 6 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ सो दैट मेरे पास RHS में भी मतलब प्रोडक्ट में भी 6 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, राइट? तो ऑक्सीजन जो है वो तो बैलेंस हो गया है। अब रही बात एल्यूमिनियम को बैलेंस करने की, तो RHS में हमारे पास एल्यूमिनियम के 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ। तो अब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई, एल्यूमिनियम के 4 एटम्स, एल्यूमिनियम के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स, राइट? सो एल्यूमिनियम, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो अपने आप का ऑक्साइड बना लेता है, राइट? जैसे हम लोगों ने देखा अभी कॉपर के साथ, सिमिलरली हम लोगों ने देखा एल्यूमिनियम के साथ, अगर आयरन के साथ भी हम देखना चाहें तो व्हाट कैन बी द रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आयरन के साथ। तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन फेरस ऑक्साइड बना लेगा। सो वी हैव टेकन Fe, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन O2 और फेरस ऑक्साइड दैट इज Fe2O3। राइट? तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 3 ले लेता हूँ सो दैट 6 हो गए, और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, राइट? तो LHS में ऑक्सीजन के 6 एटम्स, यहाँ पे भी RHS में भी 6 एटम्स, आयरन के यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स हैं, तो हमको यहाँ पे 4 एटम्स लेने पड़ेंगे आयरन के सो दैट हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो फेरस ऑक्साइड जो है वो बनेगा, राइट? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप का ऑक्साइड बनाते हैं, वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आल्सो, राइट? नाउ जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और अपना मेटल ऑक्साइड बना लिया, राइट? अब जनरली ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब वो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वाले चैप्टर में एसिड और बेसिस, राइट? तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक
दोनों तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, राइट। जनरली अगर हम ऐसे मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरीके के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरीके के बिहेवियर शो करते हैं। और जब हम ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को रिएक्ट करवाते हैं एसिड और बेसिस के साथ तो वो हमको सॉल्ट और वाटर देते हैं, राइट। इस तरीके के ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इस तरीके के ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है सिंपली ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें, और जब हम उनको किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो हमको एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर दे, राइट। तो इस तरीके के मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जिंक ऑक्साइड, राइट, जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये जो है ये एग्जांपल्स हो जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। नाउ इस चीज को इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं कि किस तरीके से ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, राइट। तो इस चीज को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3, राइट। Al2O3 जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो जनरली मेटल ऑक्साइड बेसिक तो बिहेव करते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से एसिड की तरह बिहेव करेगा वो चीज हमको समझनी है। तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, राइट, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी Al2O3 की। अब हमको पता है कि इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, राइट। तो वाटर बनना है इसका मतलब H2O तो डेफिनेटली बनना ही है, वॉट, और इसके अलावा एक सॉल्ट बनना चाहिए। तो अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, H2O अलग हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, राइट। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एल्यूमिनियम फ्लोराइड का बनेगा। एल्यूमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। तो हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, सिर्फ अब हमको इसको बैलेंस करना है। हमने क्या किया, एक मेटल ऑक्साइड लिया, उस मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया और हमको एक सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। मतलब जो चीज़ हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी एम्फोटेरिक की, वो चीज़ यहाँ से वेरीफाई हो गई। अब हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, तो मैं यहाँ पे भी टू लिख देता हूँ, लेकिन टू लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे तीन एटम्स हैं, राइट। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब एक ही एटम है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं, राइट। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे थ्री लिख देते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन के छह एटम्स हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस चल रहा है, हाइड्रोजन के छह एटम्स हो गए, तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 6 HCl लिखना पड़ेगा, राइट। और जब मैंने 6 HCl लिखा तो क्लोरीन के छह एटम्स हो गए, यहाँ पे तीन ही एटम्स हैं, तो मुझे यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा सो दैट क्लोरीन के छह एटम्स हो जाए और एल्यूमिनियम दो है ही सही, राइट। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई इस तरीके से। तो सिंपली हम इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। वी कैन वेरीफाई इट ऑल्सो, ऑक्सीजन के तीन एटम्स, यहाँ भी ऑक्सीजन के तीन एटम्स, हाइड्रोजन के छह एटम्स, यहाँ भी हाइड्रोजन के छह एटम्स, एल्यूमिनियम के दो एटम्स, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम के दो एटम्स, क्लोरीन के छह एटम्स, क्लोरीन के छह एटम्स, राइट। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई। तो मैंने देख लिया कि इसने मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट और वाटर बना लिया। अब मैं इसी चीज को वेरीफाई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो 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 चीजें हैं उनको लिखनी भी पड़ेगी। दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड एट लास्ट वी आर हैविंग वाटर हियर, राइट।
सो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होगी, और एक मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लिया। अब यही चीज हमको देखनी है कि जब एक मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में किस तरीके से जो रिएक्शन है वो होगी, राइट। तो मैंने एक बेस ले लेता हूं मैं NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, Al2O3 मेटल ऑक्साइड है ही सही, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो एज पर अवर रूल यहाँ पे वाटर बनना चाहिए, तो ये वाटर हमने बना दिया। अब वाटर बनाने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, H2O जो है वो अलग हो गया, राइट। तो अब हमारे पास जो बचेगा दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO3। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO3। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, और ये हो गया वाटर, राइट। तो इस तरीके से ये जो कंप्लीट रिएक्शन है वो होगी। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम के दो एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के तीन हैं और एक चार, राइट। तो चार यहाँ पे हम चार तो बना नहीं सकते, अच्छा ओके, चार तो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे तीन है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे सोडियम का एक, यहाँ पे भी एक, तो उसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक है, यहाँ पे दो है, राइट। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 2NaOH। अब जब हमने 2NaOH लिया तो हाइड्रोजन जो है वो तो बैलेंस हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे पांच हो गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल एक मॉलिक्यूल है, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए काम करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन जो है वो 6 और 1 7, और यहाँ पे 3 4 5, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2, राइट। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट है उसका फॉर्मूला होगा NaAlO2। उस कंडीशन में ऑक्सीजन के 4 और 1 5, यहाँ पे भी 3 4 और 5, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सीजन वो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, राइट। जब केमिस्ट्री का अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी अच्छे से याद हों, और एटलीस्ट 30 तक के जो एटॉमिक नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, हमको वो सारे एटॉमिक नंबर्स और उन सभी एलिमेंट्स की जो बैलेंसीज हैं एटलीस्ट 30 तक की, तो हमको बैलेंसीज जो हैं वो याद होनी चाहिए, राइट। सो यू शुड लर्न द एटॉमिक नंबर्स एज वेल एज द बैलेंसीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टिल एटॉमिक नंबर 30 एटलीस्ट, राइट। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उतना तो हमको आना चाहिए। नाउ हम लोगों ने मेटल्स की रिएक्शन देख ली एसिड के साथ में, मेटल की रिएक्शन देख ली एयर के साथ में, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में। अब हम लोग देखते हैं मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ में, राइट। तो H2O वाटर के साथ वाटर के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन में क्या चीजें वो बनाएगा, वो चीज हमको यहाँ पे समझनी है, राइट। तो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं, जब हम ज्यादातर नॉन मेटल्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। और वहीं अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो ज्यादातर मेटल्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये चीज़ समझते हैं कि किस तरीके से बेसिक ऑक्साइड जो है वो बनता है और मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके किस तरीके के सॉल्यूशंस जो हैं वो हमको एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट। दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। तो सबसे पहले मैंने एक मेटल ऑक्साइड लिया, आई हैव टेकन सोडियम ऑक्साइड, राइट।
सो आई हैव टेकन सोडियम ऑक्साइड हियर. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O. अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर का फॉर्मूला हो गया मेरे पास H2O. जब मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा रहा हूं तो मैंने बोला कि हमको बेसिक ऑक्साइड जो है वो मिलेंगे, राइट. मतलब कि बेसिक ऑक्साइड्स तो NaOH जो है वो हमको यहाँ से मिलेगा. NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं. सोडियम के दो एटम्स तो यहाँ पे मैंने टू लिख दिया. हाइड्रोजन के दो एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के टू एटम्स हो गए. इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, राइट. तो सोडियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया. और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिकली नथिंग बट बेसिक हाइड्रोक्साइड, राइट. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में. ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है. सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो अभी हम लोगों ने देखा कि सोडियम ऑक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करता है वाटर के साथ. अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड की बात करूं तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है K2O. पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2O. वाटर का फॉर्मूला H2O. तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, राइट. तो यहाँ पे पोटेशियम के दो एटम्स, यहाँ पे पोटेशियम का एक ही एटम है तो यहाँ पे टू लगा दिया. ऑक्सीजन के दो हो गए, ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के दो, हाइड्रोजन के दो, राइट. तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है. दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड. पोटेशियम ऑक्साइड ने जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो हमको मिलेगा यहां से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वी कैन सी द मेटल, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विथ वाटर. तो हम समझ सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो बेसिक ऑक्साइड है वो बनाते हैं, राइट. तो टुडे वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एयर. किस तरीके से मेटल्स एयर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. ऑल्सो वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, कि किस तरीके से बेसिक ऑक्साइड जो है वो बनता है, राइट. इसके अलावा हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा कि जो एसिड और बेसिक दोनों तरीके के बिहेवियर्स को शो करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. द फर्दर टॉपिक्स वी शैल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.